साथ हमजा जहांदेव और आलमगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरता प्यार सलाम। ले गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग बड़ी कमाल किस्म की आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो वकार जका नॉट अ डेयरिंग नॉट अ डेयरिंग शो एफटी वकार जका कैरी मिनाती। और ये वीडियो जी वन एंड ओनली कैरी मिनाती कैरी भाई की वीडियो है। देखते हैं जी कैरी भाई ने इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दिया हुआ है। बड़े कमाल के यूट्यूबर रोस्टर हैं, रोस्टर हैं, गेमर हैं, तारीफ के मोहताज, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बंदे को रोस्ट चुना है और रोस्ट भी सही किया है। हम इस बात का अप्रिशिएट करते हैं और चलते हैं ये वीडियो देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी शख्सियत 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 के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका सांपों के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता है। इस नाग प्रेमी का नाम है वकार जका जका जका। अब जिन लोगों को नहीं पता वकार जका जका कौन है, पाकिस्तानी रोडीज इन्हीं का बच्चा है जिसपे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज वकार भाई का एक नया शो आया है जिसका नाम है द चैंपियंस। लेकिन मैं शो को प्यार से बुलाता हूँ अलग नाम वही बकचोदी। तो आओ यार अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शोज का ट्रेंड सेट करने वाले डेयर डेविल वकार जका, इसकी तो जिंदगी ही बन गई। मैं भी वकार भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं फोटो वोटो नहीं खिंचवाऊंगा, मैं सीधे जाके बोलूंगा वकार भाई मेरी छाती पे अपना साइन करके मादर चोत लिख दो। जेल में कैदी एक दूसरे को देख के यही साइन बनाते हैं और फिर रात को हिंदी वॉफल्स की आवाजें आती हैं। आओ, आओ, आ, आ। और ये जॉनी सिंह यहाँ क्या कर रहा है? कौन हमने छुट्टी दी है क्या? दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। इतनी शानी गांड है ना ये, इसी एटीट्यूड की वजह से इसके अंदर क्या मार लगी थी। रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। लेकिन वकार जका एक ऐसा चिराग है जिसे कितना ही घिस लो कुछ बाहर नहीं आएगा। अब वकार भाई ने पहले ही बोल दिया डेयर शो तो है ही नहीं। अब जब वकार भाई कह रहे हैं डेयर शो नहीं है तो नहीं होगा ना। सांप को, सांप की मां की चूत है पीटा वाले बाहर खड़े, उन्हें भी वकार भाई ने कह दिया पहले 7 सेकंड में माउंटेन ड्यू पी के दिखाओ फिर कुछ बात करेंगे। अरे भाई पूरा दिन नहीं है हमारे पास, इतनी देर में तो आयशा 2 बार डाल लेती सांप। इसका रोज का ये, अब जब तक कोई कान में झिंगू टांग के सांप को नाक में लेके मुंह में गीदड़ दबा के ट्रेन की पटरी पे खड़ा होकर शेर से अपनी गांड ना मरवा रहा हो तब तक मजे ही नहीं आते। अब चलते हैं उन नल्ले जनाबों की तरफ जो इस शो में अपना कटवाने आए हैं। वकार भाई अगर बोलेंगे तो मैं जिंदा सांप को खाल उतार दूंगा अपने दांत। कल को वकार भाई ब्लो जॉब देने के लिए बोलेंगे दे देगा, और चैलेंज ये होगा कि दांत नहीं लगने चाहिए। सिर्फ दोस्त के कहने के ऊपर 3 मंजिल अचल से चलांग मार। घुसड़ो अपने दोस्त बदल जल्दी मर जाएगा। आई कैन सिंग आई कैन डांस आई कैन एक्ट। तो कोठे पे बिठा दे। मैं दूंगा इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये तो कोठे से ही आ रहा है, ये दोनों साथ घर जाएंगे। अब आओ ऑडिशंस में अपना माथा फोड़ लेते हैं। आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने इंटरेस्टिंग मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। और भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। ऐसे तो मैं नहाता बहुत अच्छा हूँ, कम नहाता हूँ लेकिन जब भी नहाता हूँ बहुत अच्छा नहाता हूँ, पूरा शरीर गीला हो जाता है। इस पे तो वकार को खुद गुस्सा आ गया, इस लाली को स्कूल वाली पनिशमेंट दे दी। खड़ी होकर हाथ ऊपर कर ले और चिल्लाते रहिए जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं सुन लेता। ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये एंटरटेनिंग है, ट्राई करूंगा सर। जिंदगी में मौकों की कितनी कमी है, अबे ऊबर ही चला लो 4 पैसे आएंगे इज्जत बढ़ेगी। लेकिन नहीं, इन्हें टीवी पे आके लंड नाच करना है। ये सुहागरात है आपकी, ठीक है? ये वो लड़की है जिसके आप सुहागरात मनाना चाहते हैं, आप क्या बात करेंगे कैसे अप्रोच करेंगे हम वो देखना चाहते हैं। अरेंज है सर, अरेंज। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें इसके साथ सुहागरात बनानी है तो तुम्हारा पहला प्रश्न ये होगा। अरेंज है सर, अरेंज। बहन चोद, अच्छा अगर लव मैरिज होगी तो कैसे करेगा? चुप हो जाओ, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन का अमल।
इसके स्टैंडर्ड इतने गिरे हुए हैं, ये सेक्स के लिए शादी कर लेगा, इसे अपनी चाबी बस किसी गाड़ी में भरनी है, फर्क नहीं पड़ता वो मारुति हो या मर्सिडीज। खैर बकार इसे यहाँ नहीं छोड़ता। एक मिनट दूंगा पहले आपको, आपको इनको एक मिनट में उठा के पटक देना। तीन सेकंड हो गए। गुज्जांदर कते छेद कर दो उसके पैंट के बीच में, ऐसा लग रहा है इसने 40 वायग्रा की गोलियां खा ली है और अब हिसाब किताब ना संभल ले रहा है। और वकार भाई पहले आप कुछ कह रहे थे, डेयर शो तो है ही नहीं, तो ये जो एक दूसरे के लड़ में घुस रहे हैं ये क्या है, तो दोस्त बकचोदी कर रहे हैं। सिलेक्शन हो गई भाई आपकी, एक पाव भर से इंसान को पकड़ के पटक दिया और सिलेक्शन हो गई। पहले तो वकार भाई कह रहे थे चैंपियन बनने के लिए एक ही चीज चाहिए मुझे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम दम दम। वकार भाई को बंटी जात चाहिए जो कतई चूत दिया। आपने यहाँ फॉर्म पे केएल लिखा हुआ है, आई एम केएल। केएल क्या होता है? केएल मतलब कमाल, कमाल लौंडी। ये माँ लाइफ माँ रूल्स वाली लौंडिया ना मुझे समझ में नहीं आती, ऐसे कौन बोलता है यार, मैं कमाल लौंडी आई हूँ और मैं कमाल लौंडा, आओ बच्चे करे। नहीं ये क्या कमाल कर सकती है? आई ये मूड बना दिया, लेकिन वकार कच्ची घास है, इतनी जल्दी गीली नहीं होगी। मैं क्या कमाल था भाई? मुझे आप बगैरती नहीं लगी आपको? नहीं। कितना हरामी है बकार, मजे भी ले गया और फिर बाप बन के दिखा रहा है। नहीं जब वो तेरे पास आ रही थी तो तेरे को क्या लगा अपनी जुल्फे फेंक के मारेगी? 100 साल पहले पता चल गया था चुम्मी देने आ रही है। आप मुझे क्यूट से छोटे से बच्चे लगते हैं इसलिए किया। अच्छा क्यों मतलब बच्चों को हम किस नहीं कर सकते? अगर वकार इससे बच्चा लगता ना तो ये दोनों तो पैदा ही नहीं हुए अभी तक। मैंने आपकी पिक्चर अपने कमरे में भी लगाई हुई है, वॉशरूम में भी लगाई हुई है। मैं तो कहता हूँ सबको अपने संडास में वकार की फोटो लगानी चाहिए, लंबा बैठने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि तुम इसकी थूत को 5 मिनट देख सकते हो, आधा घंटा नहीं। और स्नैपचैट पे जो आप एजुकेशन देते हैं, वहाँ एजुकेशन देता हूँ मैं। हाँ सबको पता है वकार भाई स्नैपचैट पे बहुत ही उच्च लेवल की एजुकेशन देते हैं, आओ देखो। मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया है, हमेशा आप चूतिया बनते हैं, हम चूतिया बनाते हैं, आप बहुत बड़े चूतिया हैं। अब तो मैंने आपको चूतिया बनाना छोड़ दिया, लेकिन जब चाहूँ मैं आपको चूतिया बना सकता हूँ जब भी, क्योंकि आप लोग हैं रेडीमेड चूतिया। ऐसी एजुकेशन पाके तो ये कमाल लौंडिया बनी है। खैर इसका पूरा बदला लेगा वकार। अबे भोसड़ी वालों जब पूरा सांप ऐसे नाक में घुसरते हुए दिखा दिया तो इसको ब्लर करने का क्या मतलब है? हम यहाँ बैठ के गेस दैट पोकेमोन खेलते रहे? सांप और गिरगिट के ऊपर नीचे कुछ होगा, उससे ज्यादा क्या है? और वकार भाई आपने तो कहा था देर शो नहीं है भाई। देर शो नहीं है भाई, देर शो नहीं है भाई, देर शो नहीं है भाई, देर शो नहीं है भाई। पिला कोई जहर पिला। बकार तू एक ऐसा अलबेला लड़ है जिसकी खूबसूरती मुरझाती जा रही है, तो वक्त को देखते हुए बिग बॉस की टिकट काट ले। अगर पाकिस्तानी बिग बॉस में जाने का मन नहीं है तो यहाँ जा, सलमान भाई तेरा बचपन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस साल मत आइयो, वो हिंदुस्तानी भाव आ रखे, तेरे को देखते ही बोलेंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। आज का फंक्शन यही खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1.5 डेढ़ मिलियन लाइक्स के लिए, कर दो यार, ये इंसान खुशी से झूम उठेगा। पैसे नहीं मिलते लेकिन खुशी जरूर मिलती है। और यार चोर बढ़ती रहनी चाहिए, सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना उसे फेंक के मारो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, वो मोहित के लिए रिश्ता आया है, बाय मोहित। हाँ लड़की तो दिखा, अबे डरा क्यों रहा है? अबे भाई कमाल है यार। कैरिमिनाती की जितनी भी वो जन्म की रोस्टिंग वाली वीडियो देखी जाए ना वो कमाल ही। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है वकार जका के, और भी हैं। और ये वकार जका को तो उन्होंने सही टारगेट किया है ना, उन्होंने दो दो साल पुरानी भी है इनकी, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वो अजीब किस्म के बंदा है, मुझे खुद समझ नहीं आती यार। बाकी सही बात है, ये अभी नहीं है ऐसे, वो पहले का सही
देखो इसकी मैं खुद मैंने कभी इसका प्रोग्राम नहीं देखा। मैंने आज पहला देखा है। अजीब सी यानी कि मतलब कि एक दो बार जो ना शुरू में देखा था कि मतलब आता कहाँ है प्रोग्राम? तो YouTube पे आता है? नहीं, बॉल एंटरटेनमेंट पे आता है। तो वो देख भी आए थे आप यार, लिखा हुआ था बॉल। तो मतलब कुछ समझ नहीं आती इनके, मतलब ये लगता है पहले से ही मतलब सोचा किस्म के प्रोग्राम लगते हैं यार मुझे तो। ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी, ठीक है कोई प्लान है, कोई प्लान है, एम ही आके उन्हें चुमी ले ली यार, कमाल है यार। जो भी आता है अजीब गरीब किस्म के करते हैं। अच्छा बंदे भी फेमस फेमस आ जाते हैं फिर। एक और लड़की आई थी जो लास्ट टाइम फेमस नहीं थी टिकटॉक पे, वो अभी भी आई हुई थी। वो भी आई हुई है? वो आई थी इतना के जीप जी, वो भी बातें कर रही थी इतना के पागलों वाली। बस वो जान बूझ के आते हैं ना प्रोग्राम को जरा आपको यार, मतलब के ऊपर तक लेके जाने के लिए इस तरह के और भी बहुत से मतलब बंदों को। बेसिकली बात ये कि लोगों को कंदील ब्लो चाहिए थी। कंदील ब्लो मतलब पहले वो तो बेचारी कब की मौत हो गई, डेथ हो गई उसकी, बहरहाल उसको छोड़ दो। तो इस लिहाज से बहरहाल मेरे ख्याल में अगर रोस्ट करना था बकार जका को तो वो कैरी में नाती से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और उन्होंने पकड़ के उसकी जो है ना पाकिस्तानी खुद उसको रोस्ट करते हैं, पैंट उतार के रख दिया। पाकिस्तानी खुद उसको रोस्ट करते हैं, पाकिस्तान का चैनल है। नहीं डकी भाई के अलावा भी है, उधर भी है नया आया वो ठग पाकिस्तान, वो भी कर रहा है, वो बड़े जबरदस्ती रोस्टिंग वीडियो बनाता है, ठीक है वो भी सही लोगों को रोस्ट करता है। तो मेरे ख्याल में ये रोस्टिंग का जो है ना वो ट्रेंड वो कैरी मिनाती से आया है, पाकिस्तान और इस तरह हर तरफ से इंडिया से जो है ना ये स्टार्टिंग हुई है कैरी मिनाती से। और मुझे लगता है कि पहले वो था मेरे ख्याल से पीडीपाई रोस्ट ही करते हैं। हां पीडीपाई स्टार्टिंग से रोस्ट कर रहे हैं, उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है ऐसी, और भी बहुत से हैं मतलब ये कि रोस्टिंग। लेकिन यार इंडिया में तो फेमस इंडिया और पाकिस्तान में जो से ना स्टार्टिंग हुई है ना वो कैरी मिनाती से हुई है। और कैरी मिनाती रोस्टिंग और कैरी मिनाती गेमिंग दोनों बड़े जबरदस्त। कैरी अक्सर के जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की गेमें खेलते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पबजी खेलते हैं। पबजी एमुलेटर अभी भी एमुलेटर खेलते हैं। हां अभी भी एमुलेटर खेलते हैं उनके साथ सारे लड़के हैं जो ना फेमस जो गेमर है वो सारे खेलते हैं, डायनेमो मोर्टल सभी ग्रीबू क्रॉन्टन ये सारे अक्सर जो है ना मिलते हैं सर, जो ना टीम अप करके खेलते हैं। डायनेमो अब तो वैसे भी मोबाइल पे, वो तो वैसे मोबाइल पे आ गया, जो तो मोबाइल पे आ गया। हाँ यार वो तो पीसी की गेम रह नहीं गई इतनी ज्यादा, बहुत मुश्किल है वो उन्होंने जो ना इसलिए क्वेश्चन में ऐसे ये कि आगे जा अगले लेवल तक जा सके। सही बात, ये नहीं है लाइव स्ट्रीम जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना उनमें हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बंदा वैसे पबजी एमुलेटर खेलता है अभी खेलते होंगे, लेकिन अब लाइव स्ट्रीम में ज्यादातर इसलिए बोलाते हैं कि आगे अगले बार कोई वो आए ना टूर्नामेंट तो वो आगे जा। सो गाइस बड़ा कमाल किस्म का वीडियो था, हमें बड़ा मजा आया, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें जरूर बताना है। जाना चाहिए आपसे कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वाचिंग पाकिस्तान।